हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिसी के बारे में और स्पेशली उसके अंदर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म पॉलिसी के बारे में इससे पहले जो नेशनल स्टेट और इंस्टीट्यूशनल लेवल पॉलिसी है इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं ठीक है <coughs> सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट टर्म पॉलिसी क्या होती है बेसिकली शॉर्ट टर्म एजुकेशन पॉलिसी जो होती है इंडिया में वो डिज़ाइन की जाती है टू एड्रेस इमीडिएट नीड्स मतलब अगर हमें किसी चीज़ को लेके एजुकेशन की फील्ड को लेके किसी चीज़ के लिए एकदम अभी ज़रूरत है ठीक है जो हमारी इमीडिएट नीड है उसको एड्रेस करने के लिए हम लोग शॉर्ट टर्म एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करते हैं ठीक है शॉर्ट टर्म पॉलिसी जो अभी हमारी रिक्वायरमेंट है अभी हमारे जो चैलेंजेस हैं एजुकेशन सिस्टम में उसके साथ डील करने में हेल्प करती है ये जो पॉलिसीज होती हैं, दे हैव अ टाइम फ्रेम ऑफ अ फ्यू ईयर्स एंड फोकस ऑन स्पेसिफिक इशूज सच एज इंक्रीजिंग एक्सेस टू एजुकेशन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और एनहेंसिंग लर्निंग आउटकम्स सो बेसिकली ये जो पॉलिसीज हैं ठीक है ये पॉलिसीज क्या करती हैं इनका टाइम फ्रेम होता है कुछ साल का ठीक है एंड ये फोकस करती है स्पेसिफिक इश्यूज पे जैसे अगर हमारा अभी का शॉर्ट टर्म ये गोल है कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों पे एजुकेशन पहुंचे तो हमारी इंक्रीजिंग जो एक्सेस है एजुकेशन की वो बढ़ेगी हमारी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो इम्प्रूव होगी हमारे जो लर्निंग आउटकम है वो बढ़ेगा सो so ये जो पॉलिसीज हैं दे हैव अ टाइम फ्रेम ऑफ फ्यू ईयर्स एंड दे फोकस ऑन द इमीडिएट इश्यूज़ चाहे वो एजुकेशन एक्सेस लेना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करना लर्निंग आउटकम्स इंप्रूव करना ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। शॉर्ट टर्म पॉलिसीज आर टिपिकली एम्ड एट अचीविंग शॉर्ट टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट टर्म पॉलिसी क्या करती है वो बेसिकली एम्ड होती हैं किसी लिए शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ठीक है हम चाहते हैं कोई भी ज़्यादा बड़े ऐसे गोल ना हो जो बहुत सालों के लिए हो जो अभी कुछ टाइम में कवर हो जाए कंप्लीट हो जाए उनका ऑब्जेक्टिव हम मतलब पूरा कर लें so ऐसे में ये वाली पॉलिसीज़ अप्लाई होती हैं और ये जो पॉलिसीज़ हैं ये यूजली फोकस होती है स्पेसिफिक इश्यूज पे जैसे यहाँ पे बात हुई थी ना जैसे कि किसी अगर हम कह रहे हैं कि बच्चों को टेक्स्ट बुक पहुंचाना है तो ये बहुत लॉन्ग टर्म गोल नहीं है ये शॉर्ट टर्म गोल है हम चाहते हैं कि क्लासरूम का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो तो ये हमारा शॉर्ट टर्म गोल है कोई बहुत बड़ा गोल नहीं ठीक है तो दीज ऑल आर द शॉर्ट टर्म एजुकेशन पॉलिसीज जिनका गोल होता है अभी की इमीडिएट नीड्स और चैलेंजेस को पूरा करना उनको हम लोग एड्रेस करते हैं इन पॉलिसीज के अंडर ठीक है कुछ एग्जाम्पल्स जो शॉर्ट टर्म एजुकेशन पॉलिसीज के इंडिया में है जैसे कि मिड डे मील मिड डे मील स्कीम क्या होता है ना इसमें बच्चों को खाना मिलता है न इसका मेन पर्पज़ ये है कि हम बच्चों को एडिक्वेट न्यूट्रिएंट न्यूट्रिशन दे पाए तो बेसिकली ये हम दे रहे हैं लेकिन साथ के साथ मिड डे मील का एक जो गोल होता है वो होता है कि बच्चे स्कूल में आए अटेंडेंस लगाएं क्योंकि जो बच्चे वैसे नहीं आते वो मिड डे मील के चक्कर में स्कूल आना शुरू कर देते हैं सो so, ये हमारे छोटे छोटे गोल्स हैं जो अभी हम अचीव करना चाहते हैं ठीक है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम ये जो पॉलिसी है ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है उन बच्चों को जो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग बैकग्राउंड से नहीं आते हैं या फिर इकोनॉमिकली डिसडवाटेज बैकग्राउंड से है ज़्यादा पैसा नहीं है ठीक है और उन बच्चों को एनकरेज करती है कि वो अपने सेकेंडरी एजुकेशन को कंप्लीट करें क्योंकि कई सारे बच्चे छोटी क्लास में पढ़ के छोड़ देते हैं बिकॉज एक्सपेंसिज ज्यादा हो जाते हैं बड़ी क्लासेस में जाने के बाद एजुकेशन की ठीक है डिजिटल इंडिया में कई सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जो प्रमोट करती हैं टेक्नोलॉजी का यूज करना एजुकेशन में और लर्निंग आउटकम्स एंड एक्सेस टू एजुकेशन को एनहेंस करना ठीक है सो so ये सारे हमारी शॉर्ट टर्म एजुकेशन पॉलिसीज हो गई वेन वी टॉक अबाउट द लॉन्ग टर्म पॉलिसीज लॉन्ग टर्म एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया ऑब्वियसली उससे अलग होगा तो यहाँ पे हमारे जो गोल्स हैं वो काफी ब्रॉड है हम कोई दो साल के लिए एक आध साल के लिए टारगेट नहीं कर रहे हैं हमारा टारगेट बहुत लंबा है कि हम बहुत दूर तक के लिए सोच रहे हैं हमारे ऑब्जेक्टिव इस तरह से हैं कि हम बहुत दूर का सोचें ये जो पॉलिसीज हैं इनका टाइम फ्रेम होता है कई सालों का और इवन डिकेट्स का एंड दे आर एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया तो बेसिकली वो क्या करती हैं एजुकेशन सिस्टम जो है इंडिया का उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं ताकि जो भी सोसाइटी की नीड है चेंजिंग नीड्स हैं उसको पूरा कर सके ठीक है लॉन्ग टर्म पॉलिसी टिपिकली एम्ड एट अचीविंग लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ये क्या करती हैं जो बहुत बड़े गोल्स होते हैं यानी लॉन्ग टर्म के उनको अचीव करने का काम करती हैं लॉन्ग टर्म पॉलिसीज आर मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड आर एम्ड एट एड्रेसिंग मल्टीपल इशूज यहाँ पे फोकस कोई स्पेसिफिक एक इशू नहीं होता है यहाँ पे फोकस होता है मल्टीपल इश्यूज एजुकेशन सिस्टम के जैसे कि करिकुलम डेवलपमेंट टीचर ट्रेनिंग असेसमेंट एंड इवेलुएशन तो हम लोग चाहते हैं लॉन्ग टर्म पॉलिसीज या लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करना जो बेसिकली शॉर्ट टर्म में हम ये सब चीजें नहीं कर पा रहे थे बट लॉन्ग टर्म में वी आर एबल टू डू दिस ठीक है तो यहाँ मल्टीपल इश्यूज को एड्रेस करते हैं करिकुलम डेवलपमेंट हम कर रहे हैं टीचर ट्रेनिंग है असेसमेंट एंड इवेल्युएशन है ये सारी चीजें मल्टीपल चीजों को लेके हम अचीव करना चाहते हैं इन सिस्टेम के थ्रू कुछ एग्जांपल्स जो हमारे लॉन्ग टर्म एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आते हैं जैसे सबसे पहले तो यही हो गया बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये जो पॉलिसी है ये पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाना चाहती है अच्छी वे में और इसको ज्यादा इंक्लूसिव बनाना चाहती है होलिस्टिक बनाना चाहती है मल्टीडिसिप्लिनरी बनाना चाहती है इसका लॉन्ग टर्म विजन है कि इंडिया एक सुपर पावर बने नॉलेज सुपर पावर बने मतलब जिसमें हम जैसे किसी चीज़ को लेके बोलते हैं ना सुपर पावर कि हमारे पास ये है न्यूक्लियर बॉम्ब है ये सब चीज़ें बट एक नॉलेज सुपर पावर मतलब बहुत ज़्यादा लोग एजुकेटेड हों पढ़े लिखे हों तभी जाके ये एक नॉलेज सुपर पावर बनेगा फिर एक आरएमएसए की बात करते हैं ये जो पॉलिसी है ये एम करती है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि इस पॉलिसी से हमारा जो गोल है वो ये है कि हम लोग सेकेंडरी एजुकेशन की जो क्वालिटी है मतलब उसको इम्प्रूव करें इन इंडिया ठीक है और प्लस हम लोग जो एनरोलमेंट रेट है ना बच्चों का कि जो बच्चे एनरोल करते हैं स्कूल्स में एज ग्रुप 14 टू 18 वो एनरोलमेंट रेट ज़्यादा हो यानी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में पढ़ने के लिए आए देन स्किल इंडिया यानी कि ये जो पॉलिसी है ये एम करती है बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करने पर ना वट इज़ दिस वोकेशनल एजुकेशन वोकेशनल एजुकेशन एक तरह से एक ऐसी एजुकेशन होती है जिससे बच्चे स्किल्ड होते हैं नॉर्मल एजुकेशन में अगर आपने मैथ सीखी साइंस सीखी बट आप उसे अप्लाई नहीं कर पा रहे हो बट अगर आपने इंजीनियरिंग में सीख लिया कि कोई काम कैसे होता है तो वो आपकी वोकेशनल एजुकेशन है क्योंकि आप उसको किसी फील्ड में अप्लाई कर पाओगे एंड आपको जॉब के चांसेस और प्लस आपकी जो एम्प्लॉयमेंट के चांसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे तो जितने ज्यादा स्किल्ड लोग होंगे जितने ज्यादा वोकेशनल एजुकेशन इंडिया में होगी लोग बेरोजगार नहीं बैठेंगे घर पे ठीक है बट ये पॉलिसी इसका कोई एक गोल नहीं है कि बस हो गया छोटा गोल नहीं है इसका लॉन्ग टर्म गोल है प्लस बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड है और कई सारे गोल्स हैं मतलब इन पॉलिसीज़ के अंदर छोटे छोटे एक स्पेसिफिक गोल नहीं है कई सारे गोल्स हैं सो दीज आर द डिफरेंट लॉन्ग टर्म एजुकेशन पॉलिसीज एंड यही डिफरेंस है शॉर्ट एंड लॉन्ग में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया है जो इसी टॉपिक का एक और टॉपिक है नेशनल स्टेट एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल वो मैं कवर कर चुकी हूँ मेरे चैनल पर इससे पहले वो वी वीडियो मैंने अपलोड की थी आपको मिल जाएगी बाकी नोट्स के लिए वेबसाइट पर जाइएगा प्रेप विधर्षता गूगल पर डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं वीडियोस की सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड डो नॉट फॉरगेट टू शेयर वेरी इंपॉर्टेंट थैंक यू सो मच सी यू नेक्स्ट टाइम द नेक्स्ट वीडियो